नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme Narzo 50A वर्सेस Oppo A96 4G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Narzo 50A में 6.48 इंच जबकि Oppo A96 4G में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Narzo 50A में 2.99 इंच जबकि Oppo A96 4G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Narzo 50A में 0.38 इंच जबकि Oppo A96 4G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Narzo 50A में 207 ग्राम्स जबकि Oppo A96 4G में 191 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Narzo 50A में 6.5 इंचेस जबकि Oppo A96 4G में 6.59 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Narzo 50A में 720x1600 और Oppo A96 4G में 1080x2412 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Narzo 50A में 81.7% जबकि Oppo A96 4G में 84.25% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Narzo 50A में 270 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Oppo A96 4G में 401 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Narzo 50A में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Oppo A96 4G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Narzo 50A में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Oppo A96 4G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Narzo 50A में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Oppo A96 4G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Narzo 50A में Mali G52 MC2 जबकि Oppo A96 4G में Adreno 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Narzo 50A में MediaTek Helio G85 और Oppo A96 4G में Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है। बात करें RAM की तो Narzo 50A में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB की RAM मिलती है जबकि Oppo A96 4G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Narzo 50A में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB 128 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Oppo A96 4G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Narzo 50A में अप टू 256 GB जबकि Oppo A96 4G में अप टू 1 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Narzo 50A में 6000 mAh जबकि Oppo A96 4G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो नाजो 50A में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 11,499 रुपीस, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस में मिलता है। और बात करें ओप्पो A96 4G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme Nazo 50A में 4 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Oppo A96 4G की तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Oppo A96 4G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A12 है, दूसरा Xiaomi Poco M2 Pro है, तीसरा Xiaomi Redmi 9 Prime है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A53 2020 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।